हूँ यारा नाले दारू पीनी अज शनिवार नी, कड़े रख लें दारू दे तीन चार नी, यारे आ गए रखने बिलो बार नी। जी अभी तो मैंने दिलजीत पांजी करते हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और एपी डिलोन, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाइब लगाती हूँ उनसे, और आजकल तो वो देश की धड़कन बन चुके हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं, नाम ही दिलजीत है उनका तो दिल जीता हुआ है उन्होंने। छोटे मोटे चैलेंज तो मुझे पसंद भी नहीं है, लाइफ में हो तो बड़ा हो वरना फिर हो ही ना। टक्कर भी लेनी तो शेर की लो ना, आज की शेर तो वही है, छोटे मोटों की अगर टक्कर लोगे, आपकी सोच ही छोटी है तो आप क्या कर पाओगे। कर दे या चिल पूरा रज के, खुल सन रूफ हवा विच तर दे, हों दारू दूरू किथे सानू चढ़ दी, हों दारू दिया बोतलानू यट चढ़ दे। जो स्ट्रगल करता है उन्हें ही कामयाबी का पता होता है, उन्हें ही वो फील होता है कि हमने कुछ पाया है। तो जो नीचे से पिट के आता है बंदा, वो ऊपर जाके उसको पता चलता है, खोने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, मैं तुहाडे नाल मनप्रीत खुल्लर, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। ते अज एक परसनैलिटी दे नाल तुहानूं रूबरू करवाउणा, जिहड़ी उम्मीद दी नवीं किरण लैके इंडस्ट्री दे विच कदम रखण जा रहे ने। दो गाने उन्हां दे रिलीज़ हो चुके ने, सो तीसरा गाना तुसीं पोस्टर देख रहे हो, पिछे वी रिलीज़ होण वाला है। सो अरुण अंबावटा मेरे नाल हैगे ने। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो अरुण, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके आने वाले गाने के बारे में, दारू एंथम, राइट? क्या है जॉनर का, किस जॉनर का सॉन्ग है, क्या लिरिक्स होंगे, कैसी सी वाइब देगा ये सॉन्ग? ये जी एक पार्टी सॉन्ग है। तो बनाने से पहले हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था, जो मेरे राइटर है जो लिखते हैं मेरे लिए, हरपा जी, तो मैंने बोला था मुझे एक बीट सॉन्ग करना है जो पार्टी में, शादी में, हर जगह चले, क्योंकि मेरा लास्ट सॉन्ग था वो थोड़ा आई डोंट केयर करके, मतलब था वो थोड़ा बीट सॉन्ग ही, बट वो दिल टूटा हुआ ऐसे कुछ करके था। तो मेरे जो रिलेटिव्स है और दोस्त है, उन्होंने बोला यार कोई ऐसा गाना बना जो हम डीजे पे चला सके या डांस कर सके। तो उसी हिसाब से हमने कोशिश करी है कि इस बार पार्टी का गाना है ये, शनिवार के ऊपर, लोग शनिवार को ज़्यादा पार्टी करते हैं, लोगों के मतलब माइंड सेट होता है कि आज शनिवार है, हमें पार्टी करनी है, जाना है कहीं, दारू पियेंगे। तो इसी हिसाब से ये गाना बनाया गया है, और कोशिश है, बीट सॉन्ग है ये, बड़े अच्छा गाना है, एक बार आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। कब रिलीज है गाना? जी नेक्स्ट संडे। ओके, हां जी। सो इस तो पहले दो गाने आए ने थोड़े, ओ किस जॉनर दे सिगे, केड़ी वाइब दे गाने सिगे पहले दो? जी वो गाना था आई डोंट केयर करके, तो वो था दिल टूटने के ऊपर, मतलब लड़की है, दिल टूट गया, तो मतलब उसको बताना था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू जा, मैं अभी चिल कर रहा हूँ। तो उस जोन का गाना था, और वो बनाए भी कुछ गुस्से में था मतलब मैंने बोला था कि इस जोन में बनाना है मुझे, तो मतलब हरपा जी ने लिखा था वो, तो उन्होंने मतलब जो मैं बोलता हूँ वो अच्छा बना देते हैं। तो गाने का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था और गाना भी अच्छा था, तो अच्छा रिस्पांस मिला, और इस बार जो गाना है वो भी अच्छा जाएगा जो मुझे लगता है, कोशिश रहेगी। और मेरा जो पहला गाना था, फर्स्ट गाना, वो अर्बन स्टाइल में था, वो मैंने गाया नहीं था, मतलब मेरा जो एक गांव का ही दोस्त था उसने गाया था, हमने साथ मिलके किया था, उसमें खाली मैंने एक्टिंग और वो की थी। ओके, सो किन्ना नु सुनदे हो ज्यादा, कौन ने थोड़े आइडल, किन्ना दे करके थुन कौन मोटिवेट करदा कि तुसी सिंगिंग करो? जी अभी तो मैंने दिलजीत पांजी करते हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और एपी डिलोन, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी उसको बहुत ही पसंद थे दिलजीत पांजी। ओके, वो मतलब नाम सुन के ही क्रेजी हो जाती थी, दिलजीत दिलजीत दिलजीत, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाइब लगाती हूँ उनसे, और आजकल तो वो देश की धड़कन बन चुके हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं, नाम ही दिलजीत है उनका तो दिल जीता हुआ है उन्होंने। मैंने उनके इंटरव्यू भी देखे, तो मज़ा आता है उनको, तो मेरा मन है उन्हीं को, उन्हीं से मोटिवेट होता हूँ और उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। हाँ जी, सो ओदली बहुत मेहनत, बहुत सारे एफर्ट्स, बड़े चैलेंजेस फेस करने पैणगे, बड़ी मतलब उन्होंने थोनों पता ही है ना किन्ना स्ट्रगल, किन्नी मेहनत की है, बहुत वड्डा चैलेंज है थोड़ा अपने आप नूं, कि तुसी है ना दिलजीत दोसांझ दिवांग बनना चाहते हो। मैं जरूर जानना चाहूँगी कि एफर्ट्स चल रहे हैं थोड़े वालों, किन्नी कि मेहनत कर रहे हो, किन्ना रियाज कर दे अपनी सिंगिंग अगे लैके जाने? जी मैं छोटे मोटे चैलेंज तो मुझे पसंद भी नहीं है, लाइफ में हो तो बड़ा हो वरना फिर हो ही ना। कोशिश आप किसी को अगर कर भी रहे हो तो मतलब टक्कर भी लेनी तो शेर की लो ना, आज की शेर तो वही है, आप छोटे मोटों के अगर टक्कर लोगे, आपकी सोच ही छोटी है तो आप क्या कर पाओगे। और दूजा जी, मैं कोशिश बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम, और मैं बिल्कुल अब इस चीज़ में पागल होने वाला हूँ, तभी कुछ कर पाऊँगा, तभी उनको टक्कर दे पाऊँगा। और मुझे पता है यार, मैं भी नीचे से आया हुआ हूँ, मैं भी गलियों से निकला हुआ हूँ, मतलब मैं कोई रिच फैमिली से शुरू से नहीं था, अब जाके हम सेटल हुए हैं और अब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ,
और मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और दिलजीत पाजी की बात कर रहा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो मुझे सुनेंगे, देखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कोई है। और मैं मेहनत का मुझे पता है रिवॉर्ड मिलना है, आप जितनी मेहनत करोगे अपने लिए कर रहे हो, तो इसमें मैं पीछे ना कमी छोड़ने वाला ना मैं रुकने वाला। और ये अभी तो मेरी शुरुआत है, मैं अभी 1% भी नहीं हूँ उनका, सच बात तो ये है। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं उनको टक्कर देने की बात, मतलब उनके बराबर जा टक्कर नहीं, मतलब बराबर की सोच रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप सच कह रही हो, बहुत नीचे से और बहुत स्ट्रगल के बाद आए हैं, तो उनका स्ट्रगल उनकी जगह है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, शायद उन्होंने ना किया हो, तो वो स्ट्रगल मैंने देखा है। और जो स्ट्रगल करता उन्हें ही कामयाबी का पता होता है, उन्हें ही वो फील होता है कि हमने कुछ पाया है। तो जो नीचे से पिट के आता है बंदा, वो ऊपर जाके उसको पता चलता है। अब खोने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, वो पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो यही सिस्टम रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी, मैं निराश ना करूँ अपने दोस्तों को और मैं खुद भी आगे बढ़ूँ, तो यही मेरा कोशिश रहेगी। दिलजीत दा कोई गीत सुना सकते हो? अभी तो नहीं सुना सकता जी, अभी तो मैं उनका सुन रहा था, ये इश्क मिठाए मेरा फेवरेट यही चल रहा है। हाँ जी, अभी तो मैं अपना गाना सुनाऊंगा। हाँ, मेरा गाना। हाँ जी, ऐसे हूँ यार नाल दारू पीनी अज शनिवार नी, हूँ यार नाल दारू पीनी अज शनिवार नी, कड़े रख ले दारू दे तीन चार नी, यारे आ गए रखने बिलो बार नी, कर दे या चिल पूरा रज के खुल सन रूफ हवा विच तर दे, हों दारू दूरू कित्थे सानू चढ़ दी, हों दारू दियां बोतलां नू यट चढ़ दे, दारू दूरू कित्थे सानू चढ़ दी, हों दारू दियां बोतलां नू यट चढ़ दे। लाइव शोज कितने ने कदे के हजे करने ने प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग है, मैं बहुत ही जल्दी, मतलब ये कोशिश करूंगा कि लाइव शोज करूं। अगर मैं लाइव शोज नहीं करूंगा तो मैं सोच क्यों रहा हूँ दिल्ली से आ रहे हैं। तो ये मेरा मोटिव है, मैं आगे चल के लाइव शोज भी करूंगा और माता की मेहर रही तो मैं शायद मूवी भी ट्राई करूं, क्योंकि मेरे एक दो पाजी है बोल रहे हैं, तो शायद बहुत जल्द होने वाला है। ओके, सो इंडस्ट्री दे विच इस गीत दे विच कौन ने थोड़े नाल फीमेल आर्टिस्ट? ओ जी, एमी करके है, वो मिस पंजाब रह चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, पहले गाने दे विच जिवें गीत गुराया सीगे, है ना? हाँ, उन्होंने वह भी बड़े अज दे टाइम ते, है ना, उन्होंने भी बड़ी डिमांड है गीत गुराया दी भी। सो तुसी आर्टिस्टां दे नाल काम करदे हो, कैमरा फेस करना किन्ना औखा लगता सीगा जदों शुरू किया सी, या हुण करना ईजी लगता है, या नॉर्मल हो गया हुण कंफर्टेबल रहने हो कैमरे दे अगे? अब तो जी मेरे लिए नॉर्मल है, अब इतना लगता नहीं है, मैं आपके सामने भी बैठा हूँ, लग नहीं रहा होगा आपको ज़्यादा मैं कुछ अनकम्फर्टेबल है वैसे हूँ। और दूसरी बात जी, मैं शायद इलेक्शन लड़ा था मैं कॉलेज में, तो तब मुझे बहुत लोग फेस करने पड़ते थे इलेक्शन से पहले ना, मैं जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और आप लड़की हो, तो मैं मेरी नज़रें ऐसे हो जाती थी और ना मैं बोल पाता था, हैंग हो जाता था बिल्कुल, अजीब सा ही डर लगता था। तो जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मेरे पास 3 दिन थे कंपेनिंग के, तो मेरे दोस्त बोलने लगे वैसे ही हार जाएगा तू बोलेगा नहीं, तो बोलना तो तुझे ही पड़ेगा, तू खड़ा है हम बोलेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। तो तब मेरा थोड़ा डर ख़त्म हुआ और मैं 1000 बच्चे खड़े तो 1000 बच्चों के सामने अपनी कंपेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ यहाँ भी मुझे मिली, उसका फ़ायदा मुझे मिला। तो मैंने कैमरा भी फेस किया, मुझे इतना मतलब शुरू में आप एकदम लगा मुझे, मतलब मैं कैमरे के सामने गया तब तक तो मुझे लग रहा था क्या है, कैमरा ही तो है, पर वहाँ पहुँच के हल्की सी मतलब धड़कने तेज़ हुई, जो मेरा पहला गाना था। उसके बाद दूसरे गाने में भी थोड़ा बहुत होगा अगर हुआ तो, अब तीसरे में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नॉर्मल था मेरे लिए, मतलब मेरे यार दोस्त खड़े हैं, मुझे फ़र्क क्या पड़ना है, और कैमरा ही तो है, लोग देख रहे हैं, चलने दो। ओके, अगर थोनू लाइफ तुसी वैसे मिले हो दिलजीत दोसांझ नू हजे तक? अगर थोनू मिलदे ने हो, है ना, तो तुसी की गल करनी पसंद करोगे उन्हां दे नाल, उन्हां नू उन्हां दा गाना सुना के उन्हां दा वेलकम करोगे या कोई गल करोगे, अगर इनकेस मौका मिलता तो किस तरह तुसी उन्हां नू मिलोगे? जी मैं एक बार उन्हें झप्पी पाना चाहूँगा और उनसे बोलूँगा जी मुझे आशीर्वाद दो, मेरे सर पे हाथ रखो कि मुझे भी आपकी जैसे सरस्वती मिले और फेम मिले, यही गल करनी है जी। बाकी तो सामने आएंगे तभी पता चलेगा क्या रिएक्शन मेरा होगा, अंदर से घबराहट होगी या फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस आदमी को आप फॉलो कर रहे हो, जिस आदमी को आप सोच रहे हो, वो एकदम से सामने आ जाए तो आदमी वैसे ही घबरा जाता है, तो उस टाइम देखेंगे क्या होगा जी। सो इंडस्ट्री से किस फीमेल आर्टिस्ट के नाल काम करने का सपना है? जी मेरा है तापसी पन्नू
पंजाबी इंडस्ट्री तापसी पन्नू दिशा पटानी और पंजाबी इंडस्ट्रीज है की नाम है बब्बू बैज नाम से जानता हूँ जी मैं। अच्छा सोन बाजवा वो मैंने भी बहुत पसंद है जी okay. तो शायद मैं इनके साथ करूँ बहुत जल्द जी। सो गाणियां दे बारे जानते जानते तुसी की कहना चाहते हो और अगे की कुछ नवा खास होर लेके आ रहे हो अपने फैनस नू एंटरटेन करन दे लई और किस तरह का रिस्पोंस आता जो थोड़े गाने रिलीज़ होंगे लोगों का थोड़े परसनल रिलेटिव का या थोड़े फ्रेंड्स का? जी उनका अच्छा रिस्पोंस होता है और मैं बताया था अभी पहले भी इंटरव्यू हुआ था कि मेरे मामा नोएडा से हैं तो उनको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, वहाँ ठेठ गुजरी होते हैं तो वो कह रहे थे यार तू क्या कर रहा है क्या बोल रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मामा मैं आपके लिए दूसरा गाना बनाऊंगा आप खाली अभी मुझे देखो जो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आएगा वो शायद मैं देसी अर्बन स्टाइल में करूँगा तो आपके लिए मैं अलग से बना दूंगा आज अभी तो यही चल रहा है ट्रेंड में भी यही है। तो हंसने लगे वो कह रहे ठीक है चल कोई नहीं अच्छा कर रहा है जो कर रहा है। तो रिस्पॉन्स अच्छा है मेरे दोस्त भी बोलते हैं मतलब मैं जाता हूँ कहीं तो कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आएगा। कभी किसी ने गलतियाँ कड़ी ने कुछ थोड़िया कि तुसी अगले गाने च इन्हू होर ज़्यादा इंप्रूव करो कोई मतलब होंगे ना जब तुसी गाना रिलीज़ किया बहुत लोग नैगेटिव बोलते हैं बहुत पॉजिटिव बोलते हैं पॉजिटिव नू तो असं कह दें हाँ 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 ठीक है भाई इन्हें तारीफ की है जो नैगेटिव बोलते हैं या कुछ गलतियाँ कढ़ देने थोड़ियाँ कि अगर इंप्रूव होदा के भी लोग सके और जे अगर किसी ने गलती कड़ी है तो उन्होंने इंप्रूव भी किया। जी कोशिश रही है इंप्रूव करूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त बोल रहा था मेरे से एक दिन जिम में कि मतलब पता चल जाता है कि पंजाबी लैंग्वेज तुम्हारा से नहीं हो मतलब तुम पंजाबी नहीं हो तो एक्सेंट से पता चल जाता है। मन कैसे मन की मैंने तो कोशिश करी है वो कह रहा था क्योंकि अगर मैं तुम मेरे से बोले गुजरी बोल तो तू एक मिनट में नहीं पहचान लेगा। मन की बात तो सही है क्योंकि एक्सेंट जो हम बचपन से बोल रहे हैं वही होता है हमारा। तो उसने बोला था इस पर थोड़ा काम कर तो मैंने इस बार जो मेरा पहला सॉन्ग था ना वो आई डोंट केयर वो मैं गया सीधा और मैंने एक बार गाया था बस मतलब कोई रीटेक नहीं था उसमें जैसे मैंने लाइव शो किया हो कोई एक बार किया और उसने बना दिया मतलब उन्होंने कोई ऐसा एफर्ट नहीं दिखाया यार मतलब मैं बोलना नहीं चाहता उन्होंने कुछ ऐसा एफर्ट नहीं दिखाया। जो मेरा ये सॉन्ग है इसमें मैंने दो बार तो मैं गाना गाने आया था और मेरे से बार बार लाइनें गवाई उन्होंने कि पंजाबी बेटर आए एक्सेंट चेंज करा के ऐसे नहीं चढ़ते नहीं चढ़ दे ऐसे कुछ करके उन्होंने कई लाइनें मेरी ठीक कराई करेक्ट कराई। तो इस बार और बेटर सॉन्ग आने वाला है और बीट सॉन्ग है ये तो मतलब अच्छी पार्टी वार्टी में अच्छा सॉन्ग जाएगा। तो कोशिश है मेरी मेरे दोस्त निराश ना हो और मैं जल्द से जल्द और कई कंटेंट लाने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट वे में कोई सैड कोई अच्छा कोई बीट सॉन्ग ये मतलब अब कोशिश रहेगी टाइम टू टाइम आती रहे लूप में। ओके थैंक यू सो मच अरुण थैंक यू। सो इसी जी मेरे नाल अरुण जन्ना दे नाल खास गलबात की नवा गाना लेके जल्द थोड़े रूबरू होने वाले ने मेनू दो इजाजत धन्यवाद।